डीडी अकादमी के फास्टेस्ट फास्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज 14th डे है, 14वां दिन है। आज हम आवर्ती दशमलव के जोड़ या रेकरिंग डेसिमल के समेशन को देखेंगे, इसे सीखेंगे और इसे हम अत्यंत सहज तरीके से एक छोटे मैथ के ट्रिक से सीखेंगे जिससे ज्यादा मगजमारी नहीं हो। तो सवाल को देख लेते हैं, 0.7 के ऊपर बार है। देखिए इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 0.81 के ऊपर देखिए लाल रंग का एक रेखा खींचा गया, इसे बार बोलते हैं। प्लस देखिए 3.83 के 83 के ऊपर बार है। इस तरह के दो तीन टाइप होते हैं जिसे आज हम सीखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारे सामने वही सवाल आ चुका है, 0.7 के ऊपर देखिए बार है, 0.81 के ऊपर बार, मतलब देखिए लाल रंग की जो रेखा है हमने लाल रंग में दिया है कि आप अच्छी तरह देख सकें इसके लिए, प्लस 3.83 के ऊपर बार है। तो फिर हम इसे कैसे लिखते हैं, चूंकि बार है 0.7 है, 7/10 नहीं लिखा जाता है, चूंकि बार है इसके लिए 9 लिखा जाता है और दशमलव के बाद एक संख्या इसलिए 1 9 उतरा। अब देखिए 81 है, 81 का दशमलव के बाद दो संख्या है और दोनों के ऊपर बार है, तो हम 81/99 लिखेंगे जैसे हमने यहां पर लिखा है। ठीक है, हमने इसलिए क्या लिखा, अब देखिए इसे हम काटेंगे नहीं, हम काट भी सकते हैं लेकिन हमें फायदा नहीं है, 99 है 9 का, 9 11 99 है, इसे काटेंगे नहीं, ऐसे ही रख देते हैं। प्लस देखिए 3 जो है, 3 के बाद दशमलव है तो 3 को स्वतंत्र रूप से लिख देते हैं, जैसे 3 यहां पर, अब 0.83 है, पहले प्लस मारते हैं। अब देखिए 83 दशमलव के बाद दो संख्या है, दोनों के ऊपर बार है, इसलिए हम 83/99 है, यहां पर भी प्लस मार देते हैं। अब हमें जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए 9 और 99 का लसा निकालेंगे, 9 × 11 99 होगा, ऊपर ये लाइन खींच दिया। अब देखिए 9 से अगर कटते हैं तो 9 9 कट जाएगा, 11 से 7 को गुना करेंगे तो 77 होगा। प्लस देखिए 99 से 99 कट गया तो 81 डायरेक्ट उतर गया, फिर देखिए 99 से 99 कट गया 83 डायरेक्ट उतर गया, प्लस 12 83 उतार दिया, फिर देखिए ये प्लस 3 बचा हुआ है इसलिए प्लस 3 हमने फिर से लिख दिया, प्लस 3। अब अगर 77 81 83 को जोड़ेंगे तो ये आपका होगा 241। ये 241 कहां से आया, 77 81 83 को जोड़ने के बाद 241 हुआ। तो कहने का मतलब अब ये जो है 241/99 हो गया है। पहले 3 को तो ऐसे ही उतार देते हैं, अब 241 को हम 99 से अगर भाग देंगे तो 99 दो बार जाएगा, 99 × 2 = 198, तो हमने दो पूर्णांक लिख दिया। अब 198 हो गया, अब 241 से 198 घटाएंगे तो 43 बचेगा, तो 43/99 हो गया। अब बराबर 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, तो 5 × 43/99 हो जाएगा। देखिए यही इसका आंसर है। तो आशा करता हूं कि ये आप सवाल को बहुत ही अच्छी तरह समझ गए होंगे और ये बेहद सहज तरीका है, इसे आप समझ चुके होंगे। अब देखिए इसके ऊपर कुछ सवालों को करते हैं जिसमें कुछ वेरिएशन होगा, उस वेरिएशन को भी समझते हुए हम सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए जैसे 83.3 है, पहले के सवाल की तरह हम इसे करेंगे, लेकिन मैंने जो दिखाया 3 के ऊपर बार का मतलब क्या होता है इसे भी एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है 83.3 के ऊपर चूंकि बार है, 3 हम अनंत बार है, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको रिपीटिंग डेसिमलव, रेकरिंग डेसिमलव, प्रतिवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव, इन तरह के शब्दों से इसे पुकारा जाता है। अब इसका तरीका तो हमें पता है, अगर 83.3 बार बार अनंत हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, 83 की जगह पे प्लस, और चूंकि 3 के ऊपर बार है इसलिए 3/9, तो 3 को 9 से काट दिया, 3 3 9 तो 3 लिख दिया।
अब देखिए 83 प्लस को अब प्लस हटा के क्या करेंगे, 1/3 डायरेक्ट लिख देंगे, ऐसे 83.1/3। तो मतलब कितना आसान है समझ लीजिए, जैसे किताबों में दिखाया जाता है कि आपको x लेने की जरूरत है या k लेने की जरूरत है, वैसी जरूरत यहां पे नहीं होता है। अब एक दूसरे सवाल पे जाते हैं, इसे ध्यान देखें 7.06, इसमें अंतर क्या है। देखिए यहां पर दशमलव के बाद 06 है, लेकिन 6 के ऊपर केवल आवर्ती होने का, रिकरिंग होने का सिंबल है। मतलब कहने का मतलब ये क्या है, देखिए 7.006 बार बार नहीं हो रहा है, 6 जो है वो बार बार आ रहा है। तो 6 के ऊपर ये लाइन का मतलब है 6 रिकरिंग हो रहा है, 6 अनंत तक जा रहा है। इसको कैसे करेंगे फिर, देखिए चूंकि 7 दशमलव के पहले है तो हमने 7 प्लस कर दिया। अब देखिए 06 को हमने लिखा पहले और उसमें किसके, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा दें, भले यहां पे 0 हमने घटाया है, क्यों, क्योंकि यहां पे 0 के ऊपर बार नहीं है और हमारी दो संख्या है, दो दशमलव के बाद दो संख्या है, एक संख्या में 9 है तो ये बार है, तो उस बार के लिए जैसे हम 9 लिखते हैं वो 9 को लिख दिया, और दशमलव के बाद दो संख्या था तो हमने दूसरी संख्या के रूप में 0 लिख दिया। फिर से दोहराता हूं, दशमलव के बाद दो संख्या था उसमें 6 के ऊपर बार था, तो हमने पहले दशमलव के बाद दोनों संख्या लिखा, फिर घटाया क्या जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है, फिर बटे मारा, फिर दशमलव के बाद एक संख्या के ऊपर बार था उसके लिए 9 लिखा, और दूसरी संख्या जिसके ऊपर बार नहीं था, ये चाहे कोई भी संख्या होता हम दशमलव के 0 को उतारते। आशा करता हूं समझ चुके हैं। अब ये हो गया 7 प्लस 6/90। अब 6 से आप सीधा काट देते हैं 15/90, तो बराबर क्या हो जाता है 7.1/15। तो आप समझ गए कितना आसान है इस तरह से करना। अब एक तीसरे सवाल पे आते हैं 83.234। देखिए ये पहले कर चुके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तीनों संख्या के ऊपर जो है आपका बार है, तो हम इसे क्या लिखेंगे 83 प्लस 234, और तीनों के ऊपर बार है तो 999 लिख दिया। अब ये कटते हैं, कटने के बाद 9 से काटते हैं तो 111 होता है, 234 को हम 9 से काटते हैं तो 26 होता है, तो इसका बराबर 83 अब प्लस हट जाएगा, 83.26/111, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब चौथे पे आते हैं, अब देखिए इसी को हमने लिया 83.204। अब देखेंगे यहां पे जैसे तीनों संख्या में बार था, यहां पे केवल 4 के ऊपर बार है, मतलब इस तरह की हालत है, तो इसे कैसे करेंगे। तो देखिए 83 प्लस तो हो गया, 204 को हमने लिख दिया, माइनस हमने 20 घटा दिया, देखिए ये 20 हमने घटाया यहां पर। अब देखिए एक संख्या के ऊपर बार था इसके लिए 9 था, और दशमलव के बाद तीन संख्या था तो एक संख्या के बाद एक संख्या में बार था तो उसके लिए 9 लिखा, और दूसरे दो संख्या के लिए 20 बैठा दिया। जैसे देखिए यहां पर दशमलव के बाद दो संख्या था, एक संख्या के ऊपर बार था तो जिसके ऊपर बार था उसके लिए 9 लिखा था, और दशमलव के बाद जो कि दो संख्या था इसके लिए 10 यहां डाला था। इसी तरह यहां पे दशमलव के बाद तीन संख्या है और एक संख्या के ऊपर बार है तो नीचे के अलावा उस एक संख्या के लिए 9 आया, और दशमलव के बाद चूंकि तीन संख्या था इसके लिए दशमलव के बाद यहां पे तीन संख्या होना चाहिए, एक संख्या 9 हो गया है इसलिए हमने 20 बढ़ा दिया। तो ये आपके पास अवश्य क्लियर हो चुका होगा ये बात। अब बराबर कितना आया, बराबर जो आया 83 प्लस, अब देखिए 204 से 20 घटाएंगे तो 184 होगा, 184/900। अब इसे काटेंगे तो 904 से कटेगा 225 होगा, 4 से यहां पे काटेंगे तो 4 चौके 16, 2 हुआ 24, 4 छक्के 24, तो क्या हुआ 83.46/225, ये इसका उत्तर हो गया। अब देखिए 0.83 है और यहां पर 3 के ऊपर बार है, ठीक है, ऐसी हालत में क्या होगा,
तो हम बराबर लिखेंगे, देखिए यहां पे 83 दो संख्या है, माइनस 8, क्यों 8 लिखा कि 8 के ऊपर बार नहीं है, दशमलव के बाद है, दशमलव के बाद दो संख्या है, एक संख्या के ऊपर बार है तो 9 आया और दूसरे संख्या के लिए 0 आया, तो बराबर क्या हुआ 75/90 हो गया। अब हम 15 से काटते हैं, 15 × 5 = 75 और 90 को काटते हैं, 15 × 6 = 90, बराबर क्या हो गया 5/6। तो आशा करता हूं आवर्ती दशमलव में जितने प्रकार होते हैं सारे को हमने यहां पर कवर कर लिया और हमें कोई एक्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं हुई, एकदम सीधे सरल सहज तरीके से आपने इसे किया और इसे आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी आवर्ती दशमलव से जुड़े हुए सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो आप सभी का मैं धन्यवाद देते हुए एक बात को जरूर बोलूंगा कि देखिए केवल वीडियो देखने से गणित सीखा नहीं जा सकता है, आपको वीडियो देखने के बाद जिस वीडियो में जो गणित है उसे आपको नोटबुक में लिख के फिर से खुद से बनाना होगा बिना वीडियो को देखे, और जब सब बना पाएंगे सही रूप से बना पाएंगे तभी आप जानेंगे कि आप चीजों को आपने सीख लिया है, क्योंकि जो कहते हैं गणित सीख आप सीख नहीं पा रहे हैं उनके लिए मैं यही बोलने की कोशिश करूंगा कि देखिए गणित जो है उससे पढ़ने की विधि या सीखने की विधि थोड़ी अलग है। हम समझते हैं कि दो वीडियो एक साथ देख लेंगे बाद में करेंगे तो क्या होता है कि लगता है हमें हम समझ चुके हैं, लेकिन जब हम खुद करने के लिए जाते हैं और 1-2 दिन के बाद जाते हैं तो हमें लगता है कि हमने ठीक से कुछ सीखा ही नहीं है, हमें प्रॉब्लम होता है। इसके लिए बंधु एक बात याद रखो, जैसे ये वीडियो खत्म होता है अगले किसी वीडियो में मत जाओ, कॉपी निकालो, इनके सवालों को आप फिर से स्क्रीनशॉट लेते हुए लिखो, खुद से हल करो, हल करने के बाद वीडियो में जो आपका हल है उसके साथ मिलाओ, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से एक बार देखो जिससे गलती तुम्हें महसूस हो जाए, तो समझ लेना कि 10 मिनट की वीडियो है तो 15 मिनट इस तरह से सीखते हो तो सीख लेते हो, अगर एक साथ 2-3 वीडियो देखते हो तो दोस्त कुछ नहीं सीखते हो, ये केवल समय की बर्बादी है, इस सत्य को जरूर समझ लेना। आपने समय दिया इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।